नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्र। रोहित शर्मा जिसके आगे गेंदबाज गेंदबाजी करने से घबराते हैं, अगर रोहित शर्मा मैदान पर रुक जाएं तो उस दिन गेंदबाजों की शामत आनी तय, चाहे फिर वो टेस्ट मैच हो या फिर वनडे। रोहित ने दोनों ही फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाया, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने कहा है कि रोहित बेशक बड़े खिलाड़ी हैं, उनको बल्लेबाजी करते हुए देखना अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास अभी टेस्ट में बल्लेबाजी करने की पूरी काबिलियत नहीं। उन्हें टेस्ट मैचों में अभी भी अपने आप को साबित करना होगा। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा ने रोहित की बल्लेबाजी पर बात करते हुए कहा, रोहित शर्मा एक मैच विनर खिलाड़ी, वो मेरे फेवरेट प्लेयर। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्हें देखने में मजा आता। डेवॉन कॉनवे ने भी हाल ही में दोहरा शतक लगाया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी उतनी खूबसूरत नहीं। वही दूसरी तरफ रोहित शर्मा को देखना काफी लुभावना होता। एक बार सेट हो जाने के बाद वो बड़ी पारियां खेलते, उन्हें बस नई गेंद के खिलाफ अपने फुटवर्क को सुधारना होगा। इंग्लैंड की परिस्थितियों में आप सीधे जाकर परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए उनके सामने चुनौतियां रहेंगी। रमीज राजा ने आगे कहा, रोहित शर्मा ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट का कोड क्रैक नहीं किया। जिस तरह का टैलेंट उनके पास है उसे देखते हुए मैंने भविष्यवाणी की थी कि वो टेस्ट मैचों के महान खिलाड़ी बनेंगे। उन्हें क्रीज पर और समय बिताना होगा। महान खिलाड़ी कंडीशंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, और रोहित शर्मा भी मैदान में ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। अगर आप क्रीज पर डटे रहेंगे तभी रन बना पाएंगे। 1930 से ही ये नियम चला आ रहा। आपको बता दें, रोहित इस समय इंग्लैंड में है, जहां वो पहले न्यूजीलैंड के साथ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेंगे। उसके बाद हम उनको इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलते हुए देखेंगे। इससे पहले रोहित ने इंग्लैंड में अभी तक मात्र एक ही टेस्ट मुकाबला खेला। ऐसे में रोहित इस दौरे पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करना चाहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, रोहित ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट का कोड क्रैक किया है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें स्पोर्ट्स आर के साथ।